अब जो आपसे मैं टिप डिस्कस करने लगा हूँ टिप सेवन दैट इज़ योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द कस्टमर नॉर्मली आप जब एज अ कस्टमर खुद जाते हैं दे रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर फॉर योर सेल्फ एक्चुअली यू हैव टू डिलीवर द सेम वंस यू आर फॉलोइंग यू हैव सम कस्टमर विद यू बड़ी आसानी से आप किसी जगह के ऊपर एक कस्टमर बनकर गए हैं और वहाँ पर आप यू यू आर लुकिंग फॉर सम ट्रीटमेंट कि आपको कोई कस्टमर आपको पास कोई स्टाफ आएगा हु विल एक्चुअली गाइड यू हुक्चुअली प्रॉपरली एजुकेट यू जो कि आपको ब्रीफ करेगा इंस्ट्रक्ट तमाम चीज़ों के अंदर इसी तरीके से जब एक रिटेलर के पास एक कस्टमर जाता है तो वो कस्टमर भी इसी तरह की चीज़ें एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा होता है सो so, आपका एक्चुअल ऑब्लिकेशन द फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स अ कस्टमर इट इज़ नॉट टुवर्ड्स योर लाइन मैनेजर इट इज़ नॉट टुवर्ड्स योर कंपनी एज ए रिटेलर आपका जो ओरिजिनल रोल है वो ये है कि आपने कस्टमर के लिए काम करना है कस्टमर को वो रिस्पेक्ट देनी है जो रिस्पेक्ट आप एज ए कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विसेज। जब हम कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं तो हमेशा आपको एक बात जहन में रखनी है इस इस पर्सपेक्टिव के अंदर रिटेल के पर्सपेक्टिव के अंदर कि वो तमाम एक्सपेक्टेड सर्विसेज जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है आपसे फ्रॉम द रिटेलर और वो ऑगमेंटेड सर्विसेज जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है ये दोनों बातें या पोटेंशियल तीनों बातें शामिल हैं एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के परस्पेक्टिव में कस्टमर आपसे स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर टिल द एग्जिट ऑफ द रिटेल स्टोर वो कुछ ना कुछ सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है बेशक वो ग्रीटिंग्स हों वैल यू एंटर द स्टोर और वो बेशक वो ग्रीटिंग्स हो वन यू लीव द स्टोर वो एक मुस्कुराहट जो कि नॉर्मली आप एज ए अपने कस्टमर को देते हैं जब कस्टमर आपसे इंटरैक्ट करता है रादर कि आपका फेस एक अन फेस हो और एक डिस्टर्ब फेस हो एस, तो ये तमाम पॉइंट्स ये तमाम बातें ये तमाम चीज़ें जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग फ्राम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर गोज़ अप टिल एंड ऑफ द स्टोर एग्जिट ऑफ द स्टोर ये तमाम कस्टमर सर्विसज के पॉइंट्स जितने भी टच पॉइंट्स हैं वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए कस्टमर को कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए कस्टमर को रिस्पेक्ट करने के लिए कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको वो सोल्यूशन देने के लिए उसको वो प्रोडक्ट देने के लिए उसको वो सर्विस देने के लिए जो एक्चुअली वो लेने के लिए आपके पास आया है सो so, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वो कस्टमर सर्विसेज के परस्पेक्टिव में है इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर एज वेल कि आप जो कस्टमर के तौर पर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं वही रिस्पेक्ट आप अपने कस्टमर को दें एज ए रिटेलर एंड देन यू कैन ईजीली ग्रो योर कस्टमर बेस यू कैन ईजीली सस्टेन योर कस्टमर बेस एंड देन यू कैन रियली डेवलप योर कस्टमर बेस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर तो आते हैं हम यू रियली हैव टू मेक द डिफरेंस सो टिप नंबर एट बहुत इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेक अ डिफरेंस फ्रॉम योर कंपेटर बड़ी आसानी के साथ लोग आसानी से बात कह सकते हैं कि मुझे क्या करना है मुझे कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डिफाइन करना है कोई यूएसपी डिफाइन करना है अपना एज ए रिटेलर ताकि मैं डिफ्रेंशिएट हो सकूं बाकी रिटेलर से सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आप कोई सर्विसेज ऐसी ऑफ़र करते हैं आपको प्राइस ऐसी ऑफर करते हैं आप कोई प्रोडक्ट ऐसी ऑफ़र करते हैं आप कुछ आफ्टर सेल सर्विस ऐसी ऑफ़र करते हैं जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करती है किसी दूसरे रिटेलर से मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेजॉन ये कहता है कि मैं सारी दुनिया के अंदर आपको एक्स डेज के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देता हूँ तो शायद ये सर्विसेज कोई और रिटेलर प्रोवाइड नहीं कर रहा इस केस के अंदर नॉर्मली ये उसका वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि कोई और ऑफर नहीं कर रहा एक डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट है इसी तरीके से अगर आपके पास हम यहाँ बात है मोर इफेक्टिव मोर प्रोडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बात है विद यू ए लीडर विद यू एज ए सुपरवाइजर विद यू अ पर्सन इन द लीडिंग रोल अगर आपके होते हुए ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव हैं प्रोडक्टिव हैं एज एन इंडिविजुअल जो रिटेल का एम्प्लॉई है उसके परस्पेक्टिव की बात हो रही है तो उस केस के अंदर ये बात समझना ज़रूरी है कि वाकई यू हैव टू मेक डिफरेंस वंस यू आर देयर एज ए पर्सन और एज ए रिटेलर जब आप वहाँ मौजूद हैं किसी किसी आउटलेट के अंदर तो आपको यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस यू हैव टू मेक अ डिफरेंस अगर वो डिफरेंस नहीं होगा कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं आप क्रिएट कर रहे होंगे तो कस्टमर आपको शायद अपनी पहली चॉइस अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं रखेगा जब वो शॉपिंग करना चाहता होगा नेक्स्ट टिप की तरफ हम मूव करते हैं जो कि है टिप नंबर नाइन योर बिगेस्ट बिजनेस चैलेंज इज योर कॉम्पिटिशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव कॉम्पिटिशन के हवाले से क्या आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन है आपका कॉम्पिटिशन दैट कॉम्पिटिशन वुड बी फ्रॉम इन साइड ऑल्सो और दैट कॉम्पिटिशन वुड बी फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो जब हम इनसाइड और आउटसाइड की बात करते हैं तो अगेन लेट्स से अगर आपका स्टाफ आपका इम्प्लॉयज दे आर नॉट वर्किंग उस तरीके से जिस तरीके से रिलीजियसली उनको एफर्ट करना चाहिए काम करना चाहिए तो एक्चुअली यू आर फेसिंग इंटरनल कॉम्पिटिशन अंदर से कॉम्पिटिशन और एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली यूर कम्पेटिटर वो आर वर्किंग आउटसाइड विद यू इन टू द मार्केट और द थिंग विच कैन रियली रियली मेक द डिफरेंस इज द कस्टमर हाउ यू टेक केयर ऑफ योर कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर आप कस्टमर को उस तरीके से केयर टेकिंग नहीं कर रहे होंगे जिस तरीके से रिक्वायर्ड है अल्टीमेटली यू विल लूज़ योर कस्टमर बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है दैट यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स कि जहां पर आप ये कहते हैं कि कस्टमर मुझसे दूर नहीं जा सकता कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जा सकता तो आज मे बी दिस वुड बी द सिचुएशन लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर यह सिचुएशन हो सकता है ना या ना रहे सो यू नीड टू प्रिपेयर इट नाउ आज के दिन के अंदर आपको वो सिचुएशन अपने आप की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर कस्टमर मेरे पास से मूव होना शुरू हो जाए कस्टमर मुझे छोड़ना शुरू हो जाए या कस्टमर की मैं पहली चॉइस ना रहूँ तो मुझे क्या करना होगा सो यू नीड टू प्लान इट नाउ फॉरन इमिजिएटली इवन वेन यू आर इन गुड टाइम्स रादर क्या आप वेट करें कि जब कभी कोई कंपेटिटर उस तरीके से एक्टिव होगा या जब तक इस तरीके से कोई कंपेटिटर प्रॉपरली काम करेगा प्रॉपरली अगेंस्ट काम करेगा प्रॉपरली वर्कआउट करेगा तभी शायद मैं कुछ प्लानिंग करूंगा तो रियल केस के अंदर शायद उस सिचुएशन के अंदर इट इज़ ऑलवेज लेट और अगर आप लेट होंगे यू विल नेवर बी एबल टू वर्कआउट उसको तो उस तरीके से आप पकड़ नहीं पाएंगे ये बेशक प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव में ले लें ले, सर्विस के परस्पेक्टिव में ले लें ले, या ओवरऑल रिटेल इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव में ले लें ले. तीनों बातों के अंदर तीनों चारों केसेस के अंदर हमेशा जो आपको प्रॉपर टाइमली प्लानिंग है वो ओवर योर कॉम्पिटिशन वो हमेशा आपको एडवांटेज देती है